टॉकिंग माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं मार्गा और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चनेयर के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चनेयर क्या है, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा ये भी देखेंगे क्वेश्चनेयर को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चनेयर क्या है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू डाटा को कलेक्ट किया जाता है। जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च को कंडक्ट करता है तो उसके लिए डाटा कलेक्शन के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उनमें एक क्वेश्चनेयर भी है। क्वेश्चनेयर अ सेट ऑफ क्वेश्चन जो कि रिसर्चर डाटा को कलेक्ट करने के लिए डिवेलप करता है। ये हमारे पास परफॉर्मर टाइप के होते हैं और रिस्पोंडेंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। रिस्पोंडेंट जिन एरिया के लोगों से इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो उसको कहते हैं रिस्पोंडेंट। एक रिसर्चर है, वो रिसर्च को कंडक्ट करना चाहता है। इम्पैक्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट ऑन स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो वो इसके बारे में डाटा को कलेक्ट करना चाहता है कि टाइम मैनेजमेंट का स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो इसके लिए वो किन लोगों से डाटा लेगा? वो टीचर्स भी ले सकता है और स्टूडेंट्स से भी। वो जो स्पेसिफिक क्वेश्चनेयर होगा वो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो फिर वो उनको फिल करेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? रिस्पोंडेंट। तो इस तरह से वो इन्फॉर्मेशन है वो इजीली गेट की जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई कंपनी है तो वो अपनी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू लेना चाहती है तो उसके लिए भी वो क्या करती है? क्वेश्चनेयर को डिवेलप कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर। 4 टाइप्स है हमारे पास जो हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाई वन। ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन कॉमनली यूज होते हैं। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? इसमें क्या करता है, रिस्पोंडेंट जो होता है वो अपनी राय का खुल के इजहार कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी है तो वो अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड रिव्यू चाहती है, उसने एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया है, तो वो कस्टमर से उसकी ओपिनियन जानेगी, रिव्यूज़ लेगी कि ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसको यूज़ करने के बाद आप लोगों पे क्या इम्पैक्ट हुआ। अगर उन लोगों ने एक्ने के लिए कोई प्रोडक्ट बनाई है तो वो स्पेसिफाइड कस्टमर में डिस्ट्रीब्यूट करेगी और उनसे राय लेगी। इस तरह से क्वालिटेटिव डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चंस यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटेटिव क्या होता है? उसमें क्वालिटी, उसकी खूबी, उसकी खामी, इस तरह से आप लोग जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो दे सकते हैं, आप लोग खुल के दे सकते हैं। फ्री टू गिव सजेशंस, आप लोग सजेशन भी दे सकते हैं कि इस क्वालिटी को, इस प्रोडक्ट को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ये किस तरह के होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन में ये होता था कि जो रिस्पोंडेंट होता है वो अपनी राय भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होते हैं। लिस्ट ऑफ ऑप्शंस गिवन होते हैं, जो रिस्पोंडेंट होता है उसने उसी में से ही क्वेश्चन का आंसर करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिप्लोमस क्वेश्चंस। ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं? इसमें हमारे पास ज़्यादातर टू ऑप्शंस गिवन होते हैं, येस और नो होता है, एग्री डिसएग्री, ट्रू और फॉल्स। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी है तो वो किसी अपने प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू लेना चाहती है तो वो कहते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट आप लोगों के लिए सही साबित हुई है या नहीं, तो उन्हें येस और नो में आंसर करेंगे। या कोई भी इंफॉर्मेशन जिसमें एग्री और डिसएग्री का टूल यूज़ कर सकते हैं। तो रिसर्चर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो होता है वो क्वेश्चनेयर प्लान करता है। स्केल क्वेश्चन होता है जिसमें रेटिंग स्केल है। रेटिंग स्केल में आप लोगों को पता है 5 स्टार्स रेटिंग भी होती है, जिसमें आप लोगों ने बताना होता है कि कोई ऐप को यूज़ करने के बाद, कोई एप्लीकेशन आप लोगों को पता है कि यूज़ करने के बाद वो अपने रिव्यू मांग रही होती है, तो उसको क्या कहते हैं? स्केल क्वेश्चन होते हैं। ये रेटिंग स्केल होता है जिसमें आप लोगों ने रेटिंग करनी होती है कि ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट आप लोगों को कितनी अच्छी लगी, 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी रेटिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिंकर स्केल। लिंकर स्केल क्या होता है? इसमें स्टूडेंट्स 5 ऑप्शन होते हैं, एग्री डिसएग्री, टोटली डिसएग्री, टोटली एग्री, इस तरह के मतलब डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, तो उसके लिहाज से आप लोगों को अपना आंसर करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन क्या है, कि मीन्स कि आप लोग क्वेश्चनेयर को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों ने कंस्ट्रक्ट करना है डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज नीडेड। सबसे पहले आप लोगों ने ये जानना है कि आप लोग किस बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना चाह रहे हैं। लाइक दैट, अगर आप लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं किसी जो कंट्री है उसकी पॉपुलेशन के बारे में, तो उसके लिए जो हमें उसके मुताबिक जो होते हैं वो क्वेश्चंस प्लान करने होते हैं। लाइक हम लोग जानना चाह रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो मैं टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के हवाले से हम बात करेंगे। ये तो नहीं है कि हम लोगों से जनरल इन्फॉर्मेशन लेना शुरू हो जाएंगे जब उसको जरूर, इस तरह से नहीं लेने। हम लोगों को पहले डिटरमाइन करना है कि हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन क्या गैट करनी है। हमारा एक पर्पस होना चाहिए रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए और क्वेश्चनेयर को गैट करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स है हमारे पास नंबर 2, डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ क्वेश्चनेयर।
सबसे पहले क्वेश्चनेयर का कंटेंट है उसको डिटरमाइन करें, किस टाइप का कंटेंट आप लेना चाह रहे हैं, लाइक रिव्यूज आप लोगों ने लिखने हैं, आप लोगों ने स्टूडेंट से पूछना है कि उनका टाइम मैनेजमेंट पे कैसा इम्पैक्ट है, या उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने कंटेंट भी देख लेना कि किस हवाले से आप लोगों ने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। नेक्स्ट आप लोगों ने बात करनी है डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू यूज, फिर आप लोगों ने करना है कि कौन से आप लोगों ने क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन का कौन सा फॉर्मेट आप लोगों ने यूज़ करना है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन या लिंक्ड स्केल, कौन से आप लोगों ने क्वेश्चन है यूज़ करना है, तो वो आप लोगों ने बना लेना है क्वेश्चन को डिवेल्प करने के लिए, ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है सिंपल यूज वर्ड्स ऑफ क्वेश्चन, मीन्स कि आप लोगों ने अपने क्वेश्चन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, इस तरह से करनी है कि वो हर पर्सन को अंडरस्टैंडेबल हो। तो नेक्स्ट आप लोगों ने बताना है डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, लाइक दैट आप लोगों ने सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाना है। फॉर एग्जांपल अगर रिसर्चर से आप लोग इन्फॉर्मेशन उसकी पर्सनल ले रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग उसका नेम पूछेंगे, फिर उसके फादर का नेम, फिर उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेंगे, और नेक्स्ट आप लोग आगे बात करेंगे उसके जेंडर के बारे में। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप पहले उसके फादर के नेम पूछ रहे हैं या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन जो कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाती हो, तो पहले आप लोगों ने सिंपल से शुरू करना है और कम्प्लेक्स की तरफ जाना है। फिर लेंथ ऑफ क्वेश्चनेयर, आप लोग कोशिश करें कि जो क्वेश्चनेयर की लेंथ है वो मिनिमाइज हो, मीन्स के दैट के ज़्यादा अगर 50 या 60 का क्वेश्चन आप लोगों ने क्वेश्चनेयर डिवेल कर दिए, तो ये फिल करने में जो रिस्पॉन्डेंट होता है उसको प्रॉब्लम होती है, तो वो उसको अच्छे से फिल नहीं कर पाता। तो आप लोग कोशिश करें जो भी क्वेश्चन डेवलप करें उसके 10 to 20 क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि इससे जो रिसर्चर होता है सॉरी रिस्पॉन्डेंट होता है वो बोर नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है 7 पॉइंट, अट्रैक्टिव, नीटली प्रिंटेड एंड क्लियरली अरेंज्ड। तो आप लोगों ने जो क्वेश्चनेयर बनाना है तो वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आपके क्वेश्चनेयर में लगे ही ना, उसकी अच्छी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, नीटली होना चाहिए, प्रिंट उसका अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल उसके लिए अच्छी क्वालिटी का आप लोगों ने पेपर चूज़ करना है, साफ़ सुथरा उसको प्रिंट होना चाहिए, मीन्स के प्रिंटेड में भी कभी कभी वो प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो नहीं होनी चाहिए, सिंपल उसकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। एंड क्लैरिटी अरेंज्ड, क्लियरली अरेंज होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू गेट डाटा थ्रू क्वेश्चनेयर, हम लोग क्वेश्चनेयर के थ्रू डाटा किस तरह से सेंड कर सकते हैं, या आसान लफ्ज़ों में बात कीजिए कि क्वेश्चनेयर को किस तरह से जो रिस्पॉन्डेंट से इंफॉर्मेशन किस तरह से दे। अब हम लोगों ने एक रिसर्च कंडक्ट की है, अब हम लोगों ने क्वेश्चनेयर भी बना लिया, अब हम लोगों ने ये बात आनी है कि अब क्वेश्चनेयर जो है डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करें। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक प्रिंटेड होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक होता है। प्रिंटेड फॉर्म में ये होता है कि पर्सनली डिस्ट्रीब्यूटर एक जो है हमारे पास रिसर्चर वो एक स्कूल में जाता है या किसी यूनिवर्सिटी में जाता है, तो वहाँ पे वो जो होता है क्वेश्चनेयर वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो किस तरह से पढ़ा रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले जा सकती है। तो वो पर्सनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पेपर खुद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सब में, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पर्सनली डिस्ट्रीब्यूट। फैक्स के थ्रू भी वो सेंड कर सकता है, जिसमें वो क्या करता है दूसरी तरफ से वो प्रिंटेड फॉर्म में निकल आएगा, वो बाई पोस्ट के थ्रू भी क्या करता है वो रिसर्चर अपना प्रिंट करवा के जो भी उसका क्वेश्चनेयर होता है प्रिंट करवाता है, और जिस स्पेसिफाइड एरियाज के पर्सन से वो इन्फॉर्मेशन गेट करना चाह रहा होता है उसको वो सेंड कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक मेथड, ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज है आजकल, जैसा कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो मेल के थ्रू ईमेल कर सकते हैं, जीमेल मोस्ट कॉमनली इंस्ट्रूमेंट है। तो वो क्या करते हैं जो जो रिस्पॉन्डेंट होता है वो आराम से उस इन्फॉर्मेशन को फिल करता है और वो वापस उसको मेल कर देता है। तो ये जो हमारे पास है मोस्ट कॉमनली यूज्ड और इजी भी है और इसमें एक्सपेंसिव भी ज़्यादा नहीं है, जस्ट आप लोगों को ईमेल करनी होती है। गूगल डॉक्यूमेंट वेबसाइट के थ्रू भी डाटा करते हैं, आजकल ये है कि सोशल मीडिया पर लोग क्या करते हैं अपना जो भी जो सॉरी क्वेश्चनेयर जो होता है प्लान करते हैं, तो उसका लिंक जो होता है वो दूसरे पर्सन को शेयर कर देता है या स्पेसिफाइड ग्रुप्स में शेयर कर देता है, तो वो जो होते स्टूडेंट्स होते हैं या डिफरेंट पीपल्स होते हैं कम्युनिटी के, तो वो उस क्वेश्चनेयर को पढ़ते हैं और उसको फिल करते हैं और अपनी राय देते हैं। तो ये हमारे पास मोस्ट कॉमन मेथड है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था क्वेश्चनेयर, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, अगर ज़रा सी भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके अलावा बीएड के हवाले से अगर आप लोगों को या रिसर्च के हवाले से कोई भी टॉपिक का
आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए या टॉपिक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्टूडेंट्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।